कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की अपनी हुकूमत की तब्दीली के बाद कैनेडियंस पर तवज्जो मरकूज। ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत को चैलेंज किया गया है कि वो कितनी माली इमदाद फराहम कर सकती है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की काबीना की तब्दीली के बाद वजीर आजम के दफ्तर ने इंकशाफ किया कि मौजूदा काबीना कमेटियों के मेकअप में आने वाली तब्दीलियों के साथ वो एक नई कौमी सलामती कौंसिल तश्कील देंगे और आने वाले हफ्तों में उसकी रुकनियत का ऐलान करेंगे। टोरंटो के लिए गर्मी की वार्निंग आज भी नाफिजुल अमल है। एनवायरनमेंट कनाडा ने इस हफ्ते के शुरू में सूबे के कई हिस्सों के लिए गर्मी का अलर्ट जारी किया था और तवक्को है कि गर्मी की लहर जुमे को भी जारी रहेगी। इस हफ्ते के आखिर में ठंडे दर्जा हरारत की आमद मुतवक्के है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस करीब तरीन अफ्रीकी ममालिक की मदद के लिए तैयार है। रूसी सदर का कहना था कि रूस खेप की तरसील के अखराजात को भी पूरा करेगा। कुछ गरीब तरीन ममालिक के लिए अनाज की खेप एक माह में तैयार हो जाएगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक्वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी हुकूमत की तब्दीली के बाद कैनेडियनों पर तवज्जो मरकूज करने के बाद अपनी हुकूमत की दोबारा पिचिंग शुरू की, जिसमें लिबरल्स और उनके कदामत पसंद हरीफों के दरमियान शदीद तजाद पैदा करने की कोशिश की गई। न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर में मकामी कारोबार से बाहर कनाडा के वर्कर्स के फायदे को फरोग देने से पहले वजीर आजम ने कई मिनट तक इस बारे में बात की कि वो किस तरह जानते हैं कि बहुत से कैनेडियंस के लिए वक्त मुश्किल है और यहाँ तक कि अफरात ज़र में कमी आने के बावजूद आला कीमत, खुराक और रिहाइश की वजह से मुश्किलात का सामना है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत को चैलेंज किया गया है कि वो कितनी माली इमदाद फराहम कर सकती है। ये तस्लीम करते हुए कि सरकारी अखराजात अफरात ज़र में हिस्सा डाल सकते हैं, ट्रूडो ने कहा कि ये यकीनी तौर पर ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने पिछले महीनों में अपोजिशन की चीखें सुनी है। हमें बताया कि हमें इस वक्त खानदानों की हिमायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि हकीकत यह है कि हम दूसरे ममालिक के मुकाबले में महंगाई को तेजी से नीचे ले जा रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम कदम बढ़ा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो पीयर पॉलिवर नहीं चाहते कि हम करें। ट्रूडो ने कहा हमें एक ही वक्त में दो काम करने की जरूरत है, वो ये खानदानों और बिरादरियों के लिए कदम बढ़ाना और जिंदगी के ज्यादा अखराजात में मदद करना, क्योंकि हम एक मजबूत मुस्तकबिल बना रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा हमने अपने इक्तिसादी महकमों को मजबूत किया है, हम इस किस्म की इक्तिसादी मदद और मुस्तकबिल के लिए मजबूत मंसूबा बंदी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जिसके कैनेडियन मुस्तहिक हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि नई ऐलान करदा कौमी सलामती कौंसल उन उभरते हुए चैलेंजेस की निगरानी और स्ट्रेटेजिक सिम तय करने की जिम्मेदार होगी जिनका कैनेडा को तेजी से सामना है। काबीना की तब्दीली के बाद वजीर आजम के दफ्तर ने इंकशाफ किया कि मौजूदा काबीना कमेटियों के मेकअप में आने वाली तब्दीलियों के साथ वो एक नई कौमी सलामती कौंसल तश्कील देंगे और आने वाले हफ्तों में इसकी रुकनियत का ऐलान करेंगे। मीडिया को एक बयान में पीएमओ के प्रेस सेक्रेटरी एलिसन मर्फी ने इस कौंसल को कनाडा के मुल्की और बैनुल अक्वामी सलामती से मुतालिक तश्वीश के मसाइल पर गौर करने और उनसे निमटने के लिए वुज़रा के लिए एक नया फोरम करार दिया। इस बारे में मजीद मालूमात के बारे में पूछे जाने पर कि काबीना की सतह की कौंसल की जरूरत क्यों थी
और इस जगह काम करने वाले मौजूदा हुकूमती इदारों के मुकाबले में कौमी सलामती कौंसिल का किरदार क्या होगा। वजीर आजम ने तफसीलात से आगाह नहीं किया लेकिन वादा किया कि मजीद किया जाएगा। ट्रूडो ने कहा, यह हमारे पास मौजूद दीगर आलात के ऊपर एक इजाफी टूल है और हम कनाडा से लोगों के सामने पेश करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। हम अभी काम कर रहे हैं और आने वाले हफ्तों में ऐलान करेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। इस नए पैनल को हड़ताल करने का फैसला अब वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की मदाखलत के इल्जाम से निमटने के लिए कई महीनों की जांच पड़ताल के दरमियान सामने आया है और उभरते हुए खतरात से निमटने और उनके बारे में बातचीत करने में चैलेंजेस का सामना करने वाले वफाकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के बारे में कमेटी में कहानियों और सीखने का एक सिलसिला है। वजीर आजम ने इशारा किया कि ये कौंसिल एक ऐसा तरीका है जिससे हुकूमत 2017 में कौमी सलामती और इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस पर हमला करने का कदम उठाने के बाद कौमी सलामती के खदशात का जवाब देने के लिए अपनी सलाहियत को मजबूत करने का इरादा रखती है। टोरंटो के लिए गर्मी की वार्निंग आज भी नाफिजुल अमल है और एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि जुमे और भी गर्म हो सकता है। बहुत से इलाकों में ह्यूमिडेक्स की कदर 40 तक पहुंच सकती है। एनवायरनमेंट कनाडा ने इस हफ्ते के शुरू में सूबे के कई हिस्सों के लिए गर्मी का अलर्ट जारी किया था और तवक्को है कि गर्मी की लहर जुमे को भी जारी रहेगी। बालाई 30 में ह्यूमिडेक्स की कदरों के साथ आज इंतहाई मरतूब हालात की तवक्को है। कौमी मौसमियाती एजेंसी की तरफ से एक एडवाइजरी में लिखा गया है कि जुमे को बहुत से इलाकों के लिए ह्यूमिडेक्स की कदर 40 तक पहुंचने के साथ इंतहाई गर्म रहने की तवक्को है। गर्म और मरतूब हवा के मयार को भी बिगाड़ सकती है और इसके नतीजे में एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स हाई रिस्क जमरे के करीब पहुंच सकता है। टोरंटो में आज ज्यादा से ज्यादा 29 सेंटीग्रेड देखने की तवक्को है लेकिन नमी की वजह से दर्जा हरारत 37 के करीब महसूस होगा। इस हफ्ते के आखिर में ठंडे दर्जा हरारत की आमद मुतवक्के है। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा कि टोरंटो में हफ्ते के रोज बारिश होगी और दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। रूस ने यकीन दिलाया है कि वो बहीरा अस्वद के जरिए अनाज मुहैदे को ख़त्म करने से होने वाले नुकसान से अफ्रीका को बचाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस गरीब तरीन अफ्रीकी ममालिक की मदद करने के लिए तैयार है। रूसी सदर का कहना था कि रूस खेप की तरसील के अखराजात को भी पूरा करेगा। अफ्रीका समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब अफ्रीकी ममालिक को मुफ्त अनाज फराहम कर सकते हैं। कुछ गरीब तरीन ममालिक के लिए अनाज की खेप एक माह में तैयार हो जाएगी। रूस के नायब वजीर खारजा सरगई वर्शियन ने कहा कि मास्को बहीरा अस्वद के अनाज की बरामद के मुहैदे से दस्तबरदारी के नतज से अफ्रीका को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये मुहैदा जिसे अकवाम मुतहदा और तुर्की ने सालिसी से तय किया था, इसका मकसद यूक्रेन में जंग की वजह से रोके गए अनाज को बहीरा अस्वद की बंदरगाहों से महफूज तरीके से बरामद करने की इजाज़त देकर खुराक के आलमी बहरान को रोकना था। वर्शिनन ने मजीद कहा कि रूस अनाज की बरामद के नए रास्तों पर काम कर रहा है जबकि इसकी मियाद पीर को ख़त्म हो गई थी। रूस के दस्तबरदार होने के बाद यूक्रेन को बहीरा अस्वद के रास्ते महफूज तरीके से अनाज बरामद करने की इजाज़त देने वाला मुहैदा बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सिलिवान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैन अलाकवामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगु की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उन्हें मजबूत बनाने की तदाबीर का जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान, वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, अमरीका में मुतयन सऊदी सफीर शहजादी रीमा बिनत बंदर भी मौजूद थी। सऊदी अरब में मुतयन सफीर माइकल रॉइंटनी, अमरीकी कौमी सलामती कौंसल में मशरक वस्ता और शुमाली अफ्रीका के राबताकार, अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर बराए तवानाई, अमरीकी कौमी सलामती कौंसल के कानूनी मुशीर और कौमी सलामती मुशीर के मुशीर अव्वल ने अमरीका की तरफ से मुलाकात में शिरकत की।